Now coming to the ST segment. ST segment क्या है? It is isoelectric segment. This is your ST segment. Typically ये isoelectric segment होता है, flat segment होता है, and it is between the end of S wave, J point, and the beginning of T wave. This is your ST segment. Okay? And it represents the interval between the ventricle depolarization and repolarization. And the most important cause for ST segment abnormality, elevation or depression, is myocardial ischemia and infarction. इसको हमें we have to remember this one. इस पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ST segment abnormality, that is elevation or depression, is myocardial ischemia or infarction. This is very very important to remember. Alright? Now, elevation of ST segment is an indication of acute myocardial injury, normally seen in myocardial infarction. Alright? And remember, this is very important. ये जानना बहुत जरूरी है. ST segment elevation or depression more than one small square in limb leads and more than two small square in precordial leads from baseline. Baseline मतलब TP segment is clinically significant. So ST elevation or depression हम सीनिफिकेंट कब मानेंगे? जब जो baseline है, जो हमारा TP segment है, ये जो isoelectric segment हमें जो दिख रहा है, ठीक है, इससे यदि more than 1 mm in limb leads and more than 2 mm in precordial leads से ज़्यादा यदि elevation depression, तो उसको हम लोग clinically significant मानते हैं. Here we can see ये TP segment है, यहाँ पे ST elevation क्या है? 2 mm, टू स्मॉल स्क्वायर. ओके, हेयर वी कैन सी मोर देन टू स्मॉल स्क्वायर. सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट ST segment elevation एंड डिप्रेशन. ऑलराइट, सो दिस इज द टिपिकल ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन. कॉज क्या क्या होते हैं? वी नो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इसको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ST elevation. देन कोरोनरी वेसल्स स्पैन, पेरिकार्डाइटिस, बीआर, जो हमने अभी देखा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एलवीएच, वेंट्रिकुलर एनुरिज्म, ब्रुगाडा सिंड्रोम, एंड समटाइम इन द पेस्ट रिदम आल्सो, एंड इन द रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर समटाइम. दिस इज अ नॉन कार्डियक कॉज ऑफ एसटी इलिवेशन बिकॉज ऑफ द, ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हॉर्मोन. जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर में देर इज अ स्ट्रेस ऑन द हार्ट दैट लीड्स टू द एसटी इलिवेशन. सो दिस इज नॉन कार्डियक कॉज ऑफ एसटी इलिवेशन एंड टोकोसोबा कार्डियोमायोपैथी. इन सब में देयर इज अ एसटी इलिवेशन. राइट, मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है? ईसीजी में एसटी इलिवेशन की मॉर्फोलॉजी को भी हमें याद होना चाहिए और पता होना चाहिए. टिपिकल एक्यूट एसटीएमआई में प्रोड्यूस एसटी इलिवेशन विद कॉनकेव, कॉन्वेक्स और ओब्लिकली स्ट्रेट मॉर्फोलॉजी. ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी ओब्लिक, और टिपिकल इट कुड बी अ टॉम्ब स्टोन लाइक. हियर वी कैन सी टॉम्ब स्टोन एंड दिस इज अ वेरी ग्रीवियस, वेरी डेंजरस and very serious AMI. Okay, it's called tomb-stoning pattern. Okay, so this is all the morphology of ST elevated segment. ये हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे हम देखें तो we can see that ST is, you can see, draw baseline, ST is typically elevated. सारे में ECG में ST elevated है. Alright. नाउ अदर कंडीशंस में ST elevation कैसा होता है? Pericarditis में टिपिकली इस तरह का जो elevation होता है, that is पेरिकार्डाइटिस में ये जो कॉनकेविटी है दैट इज अपवर्ड. ओके, सो दिस इज टिपिकली सीन पेरिकार्डाइटिस. बी आर हमने स्पेशली देखा कि देर इज अ जे पॉइंट एलिवेशन एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देर इज अ वाइड क्यू आर एस प्लस देर इज एलिवेटेड. एल वी एनुरिज्म में टिपिकल एनुरिज्म मॉर्फोलॉजी इस तरह की मिलती है. ब्रुगाडा सिंड्रोम में दिस इज अ नॉच एसटी एलिवेशन. सो ये हमें अदर वेरियंट्स भी, अदर मॉर्फोलॉजी भी पता होने चाहिए एसटी एलिवेशन के. ओके, नाउ कमिंग टू द कॉज ऑफ एसटी डिप्रेशन. एसटी डिप्रेशन का कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज हमें याद होना चाहिए, दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया, रेसिप्रोकल चेंजेस इन एसटी इलिवेटेड एमआई. इसका क्या मतलब हुआ कि यदि किसी एक लीड में एसटी इलिवेटेड है तो जो इसके जो अपोजिट लीड है उसमें क्या होगा? एसटी विल बी डिप्रेस्ड बिकॉज उसका रेसिप्रोकल चेंजेस है. यदि किसी ईसीजी में हमें पता है कि यदि एक लीड में यदि वेव ऑफ डिपोलेशन के इसके टुवर्ड्स जा रही थी तो देर इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. तो ऑब्वियसली जो इसके अपोजिट में लीड में है तो उसमें रेसिप्रोकल चेंजेस नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे. फाइन, सो दैट इज अ रेसिप्रोकल चेंज इन द एसटी इलिवेटेड एमआई. डिजॉक्सिन इफेक्ट में कई बार एसटी डिप्रेशन मिलता है, हाइपोकैलेमिया में होता है, सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आरबीएच, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड वेंट्रिकुलर पेस्ट रिदम. सो दे ऑल कैन कॉज एसटी डिप्रेशन. ऑलराइट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू रिमूव इज दिस वन, मायोकार्डियल इस्कीमिया. मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है? इट कुड बी अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल. अप स्लोपिंग मतलब दिस इज अप स्लोपिंग, दिस इज डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन. एसटी डिप्रेशन में देखना कैसा है? लुक हियर, ये हमारा है टीपी सेगमेंट जो बेस लाइन है. ओके, हियर वी कैन सी
सो आप जब भी एस टी सेगमेंट इलिवेशन या डिप्रेशन हम देखोगे तो ई सी जी में एक आप ये जो लाइन है दैट टी पी सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को पूरा ड्रॉ कर लो ओके एंड लुक हेयर कि एस टी इससे कितना नीचे है एंड कितना ऊपर है वेदर इट इज सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड और डिप्रेस्ड और नॉट फाइन और किस किस लीड्स में है ठीक है तो उस समय हार्ट की टेरिटरी का पता चल जाएगा कि हार्ट के किस वॉल में प्रॉब्लम स्कीमिया या पैथोलॉजी चल रही है सो लुक हेयर द ईसीजी ऑफ हाइपर एक्यूट एंट्रियोसेप्टल एमआई टिपिकल यदि हम यहाँ पे देखें सो देयर इज अ एसटी एलिवेटेड इन हाइपर एक्यूट दिस कॉल्ड हाइपर एक्यूट टी वेव एंड एसटी सेगमेंट एलिवेशन ओके वी टू में दिख रहा है वी फोर में वी थ्री में बेसलाइन से कितना ऊपर दिख रहा है सो दिस इज हाइपर एक्यूट एंट्रियोसेप्टल एमआई फाइन एंट्रियोसेप्टल क्यों क्योंकि हमें पता है कि ये जो वी वन टू वी फोर है दे एंटीरियर लीड्स ओके एंड दे रिप्रेजेंट द एंट्रियोसेप्टल टेरिटरी ऑफ द मायोकार्डियम ओके सो हियर वी कैन सी एस टी एलिवेशन इज वन एंड एवियल ऑल्सो वन एंड एवियल हियर वी कैन सी आप ये ड्रॉ करोगे सो देर इज एस टी एलिवेशन एंड क्यू वेव ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेप्टल लीड्स ये जो लीड्स हैं दे आर द डीप क्यू वेव्स दिस वन कैन यू सी हेयर क्यू वेव की एबनॉर्मेलिटी के बारे में हमने एक ऑलरेडी डिस्कशन वीडियो किया हुआ है जो कि आप वीडियो चैनल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट पैथोलॉजिकल क्यू वेव बिकॉज पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या होती है मोर देन वन स्मॉल स्क्वायर वाइड एंड मोर देन टू स्मॉल स्क्वायर डीप सो हियर वी कैन सी दिस इज अ डीप क्यू वेव सो दिस इज अ पैथोलॉजिकल ऑलराइट कमिंग टू द एक्सटेंसिव एंट्रियर लेटरल स्टेमी एस टी एलिवेटेड एम आई हियर वी कैन सी देयर इज अ ग्रॉसली एलिवेटेड एंड लुक हियर इन द वी टू दिस इज अ बेस्ट लाइन एस टी एलिवेशन ऑलमोस्ट गोइंग टूअर्ड्स अ टॉम स्टोनिंग पैटर्न दिख रहा है ये जो टिपिकल एस टी एलिवेशन दिस वन दिस इज एक्सटेंसिव एम आई ओके एंट्रियर लेटरल चेंजेस आर देयर इन द वी वन टू वी टू टू वी सिक्स ओके एंड ऑल्सो इन द ए वी एल Here we can see this one. Here ST elevation, okay. And reciprocal ST changes ST depression into 3 NAVF because obviously reciprocal the opposite changes to that. So lead 3 mein kya milega? Hume ST depression milega aur AVF mein bhi hume, here we can see ST depression milega because ye reciprocally लोकेटेड होते हैं टुवर्ड द एंटीरियर लीड्स तो एंटीरियर में एसटी एलिवेटेड है तो रेसिप्रोकल चेंजेस इनफीरियर लीड्स में हमें मिलेगा नाउ दिस इज एक्सटेंसिव एंट्री एबाई टॉम स्टोनिंग पैटर्न टिपिकल है वैकेंसी ये सब ईसीजी को हमें कभी भी मिस नहीं करना है और इस सब ईसीजी को हमें अपने दिमाग में इम्प्रिंट करना है बिकॉज दिस ईसीजी टॉम स्टोनिंग पैटर्न इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन एंड देर इज अ हाई रिस्क ऑफ डेथ ऑफ सच पेशेंट ओके सो ऐसे पेशेंट हमें इमीडिएट कार्डियक अटेंशन की जरूरत पड़ती है सो हेयर वी कैन लुक दिस द टिपिकल टॉम स्टोनिंग मैसिव एस टी एलिवेशन विद टॉम स्टोन मॉर्फोलॉजी सीन थ्रू द वी वन टू वी सिक्स एंड हाई लेटरल लीड्स लुक हियर कैन यू सी जस्ट लाइक अ टॉम स्टोन हियर एंड दिस पैटर्न इज सीन इन द प्रोक्सिमल एलईडी ऑक्लूजन एंड इंडिकेट्स अ लार्ज टेरिटरी इनफार्क्ट विद द पुअर एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन एंड देर इज अ ह्यूज ह्यूज देर इज अ बिग बिग डैमेज टू द मायोकार्डियम एंड लीडिंग टू द वेरी पुअर इजेक्शन फ्रैक्शन एंड दिस इज देर इज अ हाई लाइकलीहुड ऑफ कार्डियक शॉक एंड डेथ मीन्स टॉम स्टोन सो ऑलवेज रिमेंबर नेवर मिस दिस ईसीजी सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन वेरी वेरी एक्सटेंसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ओके नाउ कमिंग टू इन्फीरियर वॉल इज एलिवेटेड इन्फीरियर वॉल को हमें जो चेंजेस आएंगे कहाँ दिखाई देगा लीड टू थ्री एन एवीएफ में बिकॉज जो लीड टू थ्री एवीएफ हार्ट के इन्फीरियर वॉल को देखते हैं ऑलराइट सो इन्फीरियर वॉल एम आई में हमें क्या मिलेगा वी कैन सी एसटी एलिवेटेड लीड्स इन वी कैन सी हाइपर एक्यूट और पीक टी वेव दिस वन इन द इन्फीरियर लीड्स टू थ्री एंड एवीएफ विद रिलेटिव लॉस ऑफ आर वेव हाइट लॉस ऑफ आर वेव ओके एंड अर्ली एस टी एलिवेशन एंड नॉन एंड क्यू वेव फॉर्मेशन इन द लीड थ्री में आप देखो देर इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ क्यू वेव ओके सो दिस इज क्यू वेव इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड ऑब्वियस रेसिप्रोकल एस टी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन इन द एवीएल में टिपिकल ये क्या होती है इसके दिस इज योर रेसिप्रोकल चेंजेस इज एवीएल ऑलराइट दिस इज इन्फीरियर वॉल एम आई एस टी एलिवेटेड अगेन हियर वी कैन सी दिस इज द वेरी ऑब्वियस ये सो दिस इज अ इन्फीरियर वॉल एस टी एलिवेटेड लुक हियर लीड टू थ्री एंड एवीएफ एक्सटेंसिव
ST elevation due to the AVF with early QF formation. This QF is developing here, okay, as you can see. Alright, and reciprocal change AVL. AVL means reciprocal changes हमें मिलता है, fine.